हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी कचौड़ियाँ बनाने, जिसके लिए मैंने मेथी के पत्ते लिए हैं, जिसमें बहुत ही कैल्शियम प्रोटीन होते हैं, जो आप लोग को बहुत ही सेहतमंद रखेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे। यहाँ मैंने पत्तियों को अच्छे से कट करके धुल लिया है और इसे मैंने पानी इसका बिल्कुल निकाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में कुछ पत्तियाँ डाली है और लहसुन के 10-15 कलियाँ आप डालें। लहसुन और अदरक का स्वाद इसमें बहुत ही बेस्ट और अच्छा लगता है। मिर्ची डाल करके आप इस तरह से ग्राइंडर जार में इसे पीस लें और ग्राइंड कर लें। और इधर आप देख सकते हैं 3 से 4 कटोरी मैंने आटे लिए हैं, उसमें आप इस प्यूरे को डाल करके अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो इसे सूखे मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे मसालों को आप इसमें मिला लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं नमक 2 से 3 चम्मच के लगभग लिया है। मैंने 4 से 5 व्यक्तियों के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसलिए मैंने इतना नमक डाला है। आप चाहें तो आप जितने परिवार के लिए बनाए उसके अनुसार आप सारे इंग्रेडिएंट्स लें। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले भी ऐड किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के लिए लगभग लिया है। आप देख सकते हैं मैंने मिर्च भी लिया है, लाल मिर्च, क्योंकि मैंने ग्रीन मिर्च डाले थे इसलिए लाल मिर्च में थोड़ा सा पाउडर ही ऐड करूँगी इसमें, जो आपको बहुत ही टेस्टी और यम्मी कचौड़ियाँ बनाएगा। आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आवश्यकता पड़े तो आप 1/2 गिलास पानी लेकर के आप इसे आटे गूँथ ले और 2 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है आटा। अब इसकी आप लोइयाँ, छोटी छोटी लोइयाँ कट करें और चकले पे इसे बेल ले, छोटी छोटी पूड़ियाँ इसकी बेलें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से पूड़ियाँ बेली। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें रिफाइन लगा, जिससे ये चिपकेगा नहीं और अच्छे से पूड़ियाँ बेल जाएगी। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ बेल कर रखी है। आप चाहें तो एक बार में 2 या 3 पूड़ियाँ तल सकते हैं या एक भी तल सकते हैं, जैसा बर्तन लें उसके अनुसार आप पूड़ियाँ तलें। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप रिफाइन पूरी तरह से अच्छे से गर्म हो चुका है। आप इसमें पूड़ियाँ इस तरह से एक एक करके तले और दूसरा फिर उसमें डालते जाए। इस तरह से पूड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी भी और सॉफ्ट भी होंगी। इसी तरह से आप भी बनाएं मेथी की पूड़ियाँ और इंजॉय करें।